डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूं। यह है हमारा एपिसोड 215 और आज तारीख है 22 फरवरी 2019। अगर अभी तक आप हमारे चैनल स्पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें, ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है ये रोज सुबह 4 बजे आपके लिए हिंदी मीडियम में अपलोड हो जाता है। वेबसाइट्स भी विजिट कर सकते हैं ssc.sijalpinakal.com और baljeedhaka.com। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो वीडियो को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में देखना चाहता है तो ये हमारी वेबसाइट है ssc.sijalpinakal.com। वहां पर आप जाइए, वहां पर ये जो करंट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इस पर आप क्लिक करें तो आपको डेट वाइज वहां पर सारे PDF वीडियो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, सब कुछ एक सिस्टमैटिक ढंग में मिल जाएगा। तो यहां पर सारे इंग्लिश मीडियम के वीडियोज आपको मिलेंगे। चलिए अब आपको मोटिवेट करने के लिए कोट सुनाते हैं और ये नरेंद्र कुमार की कोट आपके लिए ले रही हूं। ये कहते हैं, बहुत ही बढ़िया सी कोट है इनकी, अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर भी रसीले फल मिले। तो बहुत ही बढ़िया इनका कोट। और अब हम चलते हैं प्रीवियस क्विज पर। मैं आपसे दो प्रश्न भी तो पूछती हूँ, रोज उनका उत्तर बताते हैं। हाल ही में जितेंद्र सिंह ने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती, वो किस राज्य से संबंधित है? वो राजस्थान से है। और जो 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस है वो कहां पर होगी? वो भोपाल में होगी। अब चलते हैं पहले प्रश्न पर। केरल का कौन सा शहर अतुकल पोंकला उत्सव की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर मेजबानी करेगा? तो उत्तर है इसका तिरुवनंतपुरम। आंसर हमारा बी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक दिन का ये उत्सव होगा और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही बड़ा महिलाओं का उत्सव होता है जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो इकट्ठी होती हैं। और इस उत्सव पर ये जो महिलाएं हैं ये ताजे मिट्टी के बर्तन में या फिर किसी धातु के बर्तन में चावल, गुड़ वगैरह, नारियल वगैरह डालकर उसको पकाती हैं। और उसके बाद जो अतुकल भगवती मंदिर की जो डेटी है, मंदिर की जो पीठासीन देवता हैं, उनको ये अर्पित करती हैं। तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा। और अगर धार्मिक समूह की बात करें कि महिलाएं किस धार्मिक समूह के लिए सबसे बड़ी संख्या में एक दिन के लिए एकत्रित होती हैं तो वो इसी त्योहार पर एकत्रित होती हैं। ये हमारा प्रश्न एक था। ये देखिए, ये इससे संबंधित तस्वीर है, अतुकल पोंगला फेस्टिवल। अब मैं आपको एक रिविजन क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि केरल का एक शिखर है जिसका नाम है अगस्तकुड़म शिखर, और ये जो अगस्तकुड़म शिखर है इसको चढ़ने वाली पहली महिला बन गई हैं धान्या सानल। वो पहली महिला बन गई हैं, हालांकि ये ऊंचा नहीं है, लेकिन ये जो शिखर था इस पर एक तरह से अनऑफिशियल बैन था, महिलाएं इस पर नहीं चढ़ती थी। तो उसके बाद वो हट गया, फिर इन्होंने चढ़ाई की। तो ये था हमारा प्रश्न एक। दूसरा प्रश्न, भारत के पहले पूर्ण गुंबद 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में, साइंस सिटी कोलकाता में भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन किया था केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा जी ने। विज्ञान नगरी जाना जाता है कोलकाता, वहां पर ये जो थिएटर है ये अपनी तरह का पहला है भारत में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर है हमारा कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता और 1911 तक ये ब्रिटिश इंडिया जो था उसकी राजधानी रही। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये सारी इसकी तस्वीर है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, हाल ही में कोच इरफान अंसारी को आईसीसी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आपको बताना है कि ये कौन से देश से हैं? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात से। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर सी है। UAE के कोच हैं ये इरफान अंसारी, और इन्होंने जो पाकिस्तान के कप्तान हैं सरफराज अहमद, उनको 2017 में अप्रोच किया था और इन पर करप्शन के चार्जेस लगाए गए। भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग इत्यादि से संबंधित ये केस था। तो ICC की जो एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल है उसने सुनवाई की, इनको अपराधी पाया और उसके बाद अब इनके ऊपर 10 साल के लिए बैन लग गया है। ये किसी भी प्रकार के क्रिकेट के हर जो जितने भी फॉर्म्स है क्रिकेट के उन सब से इनको 10 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ये इनकी तस्वीर देख सकते हैं आप, पाकिस्तान कैप्टन
सरफराज अहमद ने शिकायत की थी और कोच इरफान अंसारी पर लगा 10 साल के लिए इसकी वजह से बैन। अब हम देखते हैं कहां पर है एग्जैक्टली यूएई। तो अगर आप भारत के संदर्भ में इस ओर देखें तो अरेबियन पेनिनसुला पर, ये अरेबियन पेनिनसुला है सारा, यहां सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया है, तो यहां पर ये जो कंट्री लोकेटेड है ये है यूएई। ओके, यहां पर राजधानी है अबू धाबी, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहन, प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम और करेंसी है यहाँ पर यूएई में दिरहम। अब यह है हमारा प्रश्न चार। हाल ही में 30 फरवरी को मनाए गए सामाजिक न्याय विश्व दिवस 2019 का थीम क्या है? आपको बताना है कि इसका थीम क्या है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर है, यदि आप शांति और विकास चाहते हैं तो सामाजिक न्याय के लिए काम करें। उत्तर हमारा सी है। उत्तर यहाँ पर क्या है? उत्तर जो है हमारा सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, बहुत बार आपके कौन सा दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ लिया जाता है। अगर प्रश्न को थोड़ा मुश्किल करना हो, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों को थोड़ा टफ समय दिया जाए, तो फिर वो थीम वगैरह पर पूछ लेते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न 5। अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ कि 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो निर्धन बेरोजगार लोग हैं उनकी समस्या, उनकी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना है। और यह वर्ष विश्व सामाजिक न्याय की थीम, अगर आप चाहते हैं तो सामाजिक न्याय के लिए कार्य कीजिए, उस पर ये बेस्ड था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि साल 2007 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उन्होंने ये फैसला किया था कि हम 20 फरवरी को इस दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहली बार ये कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया था ये 2009 में। अब इससे संबंधित आप तस्वीर देखिए, ये है हमारा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस फरवरी 20। ओके, ये इसके बारे में जानकारी थी। अगला प्रश्न, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? ये प्रश्न है हमारा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के बारे में। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उन्होंने स्कूलों में बेहतर डिजिटल शिक्षा देने के लिए जैसे उन्होंने स्टार्ट किया है ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। पहले एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च हुआ था, उसी की तर्ज पर यह शुरू किया गया है। सरकार चाहती है कि साल 2022 तक शिक्षा के क्षेत्र में भारत भर के बहुत सारे स्कूल जो है उनमें जो है ये डिजिटल बोर्ड्स वगैरह जो है लग जाएं, डिजिटल बोर्ड की सुविधाएं हो जाएं और जो हमारे स्कूल है उनके लिए ये फैसिलिटी हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? प्रश्न 5 के लिए आंसर है हमारा डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए, ये आप एक तस्वीर भी देख सकते हैं, तो जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें तो ये ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 16 फरवरी 2019 को गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई है? गुरु रविदास की ये मनाई गई है 642वीं जयंती। तो उत्तर यहाँ पर हमारा सी है। ओके, सी जो है हमारा इसका सही उत्तर होगा। और गुरु रविदास कौन थे? जब भारत में भक्ति आंदोलन चला था उस आंदोलन के दौरान ये गुरु थे। ओके, भक्ति मूवमेंट जो है ये मिडिल एजेस में चला था, जो मिडिवियल पीरियड है हमारे इतिहास का। संत रविदास जयंती जो है ये 19 फरवरी को मनाई गई थी। इस वर्ष जो है ये इनकी 642वीं जयंती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ओके, और वैसे तो कोई फिक्स डेट नहीं है कि ये कितनी तारीख को मनाई जाएगी। संत रविदास जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसको माघ महीने की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। और इस बार ये दिन जो है ये 19 फरवरी को है। इस वर्ष उनका 642वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और कहते हैं कि इनका जन्म जो है ये वाराणसी के पास हुआ था। ओके, साल 1450 के आसपास करीब कहते हैं इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो हमारी जाति प्रथा है उनके खिलाफ काफी सारा काम किया, छूत छात जो है समाज में उसके खिलाफ इन्होंने काफी सारा काम किया था। तो यहाँ देखिए, गुरु रविदास जयंती 2019। अगला प्रश्न, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति किस क्षेत्र के लिए रोजगार युक्त गांव की शुरुआत करेगी? ये है हमारा प्रश्न 7। और प्रश्न 7 के लिए जो हमारा उत्तर है वो है खादी। ओके, आर्थिक मामलों के जो
मंत्रिमंडलीय समिति है, उन्होंने खादी के क्षेत्र को खादी के क्षेत्र को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ये पहल की है। इस योजना के तहत एक नया आयाम है, रोजगार युक्त गांव को जोड़ा गया है, जिसमें खादी क्षेत्र में उपक्रम आधारित परिचालन शुरू किया जा सकेगा और इससे हजारों नए बुनकरों को और बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार मिलेगा और ये अगले वित्त वर्ष में रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध होंगे, इस साल भी और उससे अगले साल भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए उत्तर है हमारा खादी। ये देखिए, ये तस्वीर है सशक्त खादी सशक्त भारत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर और होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन जो है वो किस राज्य में किया है। ये जो उद्घाटन है ये किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किए गए हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नया कैंसर केंद्र जो 500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है, ये खोला गया है और इसमें आसपास के राज्यों से भले ही उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, यहाँ तक कि नेपाल तक से जो रोगी हैं वो आ सकते हैं। और साथ ही साथ होमी भाभा कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने इनॉग्रेट किया मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल इन वाराणसी। ये राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, काफी बार मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो नए लोग हैं वो यहाँ से पढ़ें। यहाँ पर दुदुआ नेशनल पार्क जो है यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है और कथक नृत्य जो है वो यहाँ का क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया है, ये हमारा प्रश्न 9 है। तो प्रश्न 9 के लिए हमारा उत्तर क्या होगा, प्रश्न 9 के लिए हमारा जो उत्तर है वो है गुजरात। गुजरात सरकार ने ऐसा किया है, जो गुजरात सरकार है उसने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए, ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर समाज जो है उसके कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड की स्थापना की है। ये जो बोर्ड होगा ये किन्नर समुदाय के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं शुरू कर सकता है और यह ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण व उत्थान के लिए बहुत सारा कार्य जो है ये करेगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इसी से रिलेटेड मैंने एक और न्यूज आपके लिए कुछ समय पहले कवर की थी कि जो किन्नर कल्याण बोर्ड है ये सबसे पहले भारत में महाराष्ट्र सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की थी। ये रिविजन क्वेश्चन था। तो आओ अब हम देखते हैं कहाँ पर है एग्जैक्टली गुजरात। उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, किन्नर समाज इस पहल से बेहद खुश, और यहाँ देखो ये जो राज्य आपको यहाँ पर नजर आ रहा है यह है गुजरात। बना कब, 1 मई 1960 को, राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, गवर्नर ओम प्रकाश कोहली, चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है, लेजिस्लेचर यूनिक कैमरल है, 182 सीट्स, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 26, डिस्ट्रिक्ट्स टोटल यहाँ 33 हैं। जो इसके अलावा अहमदाबाद को हम इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कहते हैं, अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं और बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और जो बड़ौदा और वडोदरा है उनको बैनियन सिटी, पावर हब ऑफ इंडिया और कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात कहते हैं। अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं हम। हाल ही में किस देश ने सुषमा स्वराज को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट से सम्मानित किया है, यह है हमारा प्रश्न 10 और यह सम्मान देने वाला देश है स्पेन। स्पेन सरकार ने ऐसा किया है, तो उत्तर यहां पर ए है। स्पेन सरकार ने जो हमारी विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उनको अपने देश के प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अप्रैल 2015 में जब नेपाल में भूकंप आए थे उसके दौरान 71 स्पेन के नागरिकों को निकालने में भारत ने महत्वपूर्ण, नेपाल से उनको सुरक्षित निकालने में भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए यह सम्मान दिया गया है सुषमा स्वराज को। यह आप देख सकते हैं यहाँ पर सुषमा स्वराज जी हैं, सुषमा स्वराज जिनको मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट स्पेन सरकार के द्वारा। यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पर है स्पेन। अगर आप ध्यान से देखते हैं पूरे का पूरा जो
यूरोप है, तो यहां पर आपको ये कंट्री नजर आएगा स्पेन। ओके, स्पेन जो है ये जिस पेनिनसुला पर, जिस प्रायद्वीप पर लोकेटेड है, इसको हम इर्बियन पेनिनसुला कहते हैं। इर्बियन पेनिनसुला पर यूरोप पे ये लोकेटेड है। यहां पर कैपिटल और जो सबसे बड़ा शहर है, राजधानी और सबसे बड़ा शहर है मैड्रिड, ये देख सकते हैं आप मैड्रिड। ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज इनकी स्पेनिश है। यहां पर जो मोनार्क है वो है फिलिप VI और प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज। करेंसी यहां पर यूरो है, यूरो यहां पर करेंसी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यहां पर जबरदस्त है। तो ये थी जानकारी स्पेन के बारे में। अब मैं आपको ले आई हूं समरी कीवर्ड्स पर। अतुकल पोंकला फेस्टिवल तिरुवनंतपुरम में, 3D डिजिटल थिएटर इसका उद्घाटन किया गया कोलकाता में, इरफान अंसारी पर 10 साल के लिए बैन लग गया है, क्रिकेट के कोच हैं, यूएई से हैं, 2019 वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया 20 फरवरी को, और इसकी थीम थी इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस। गुरु रविदास जयंती मनाई गई हाल ही में, ये उनकी 642वीं जयंती थी। रोजगार युक्त गाँव जो है ये खादी को सेंटर में लेकर उसके इर्द गिर्द डेवलप किए जाएंगे। मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल जो है और होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल जो है इनकी स्थापना की गई यूपी में, इनका हाल ही में उद्घाटन हुआ। किन्नरों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएगी गुजरात सरकार। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट ये जो है ये दिया गया सुषमा स्वराज को, स्पेन का अवार्ड है ये। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड जो है ये डिजिटल एजुकेशन से संबंधित है। तो अब हम आ गए क्विज फॉर द डे पर। यहाँ पूछा गया है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति किस क्षेत्र के लिए रोजगार युक्त गांव की शुरुआत करेगी, और दूसरा है हाल ही में कोच इरफान अंसारी को आईसीसी ने 10 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, वो कौन से देश से हैं। तो आपको इन दोनों के आंसर मुझे देने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो आपको अच्छा लगा, आप वीडियो को सिर्फ ऐसे ही अच्छा ना माने, लाइक बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, ऑल द बेस्ट, देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।